हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो एक्सियल पोर्शन था और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन था। तो यहाँ पे हम लोग एक्सियल स्केलेटन में बात करें तो हम लोगों ने स्कल, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिपल कॉलम की बात की। एंड देन हम लोगों ने जो कल के वीडियो में देखा था अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन था उसमें हमारे हमने लिम्स मतलब हाथ और पाँव की हड्डियाँ और उसके अलावा जो ग्रीडस जो हाथ और पांव को एक्सल से कनेक्ट कर रही थी, तो उन हड्डियों के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। जब मैंने आपको बोन्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने कहा था कि बोन्स की हेल्प से हमारे जो हाथ पांव या हमारी बॉडी है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अब मूव कर सकती है, कोई हार्ड चीज़ है, हड्डी है वो हार्ड चीज़ है, अपने आप मूव नहीं करेगी। अब उसको मूव करवाने के लिए उसमें क्या पाए जाएंगे, जॉइंट्स पाए जाएंगे, ठीक है, जॉइंट्स जिनको हिंदी में बोलते हैं संधियाँ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉइंट्स, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है संधियाँ लिखा हुआ। ए जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर जॉइंट, मतलब कि दो या दो से अधिक अधिक जो हड्डियाँ हैं वो आपस में जिस जगह पे जॉइंट होती है उसे क्या बोलते हैं, हम जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, संधियां कहते हैं। अब संधियां हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपल जॉइंट्स होते हैं और एक कंपाउंड जॉइंट्स होते हैं। तो सिंपल जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, सिंपल जॉइंट्स है वो सिर्फ दो बोन्स, मतलब आपस में दो बोन्स है वो आपस में अटैच हो जाए तो वो क्या होगी, सिंपल जॉइंट्स होंगे। एंड देन हम कंपाउंड जॉइंट्स की बात करें तो मोर देन टू बोन्स, मतलब मुश्किल से तीन बोन्स है वो आपस में क्या होती है, एक जगह अटैच होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंपाउंड जॉइंट्स। देन हम बात करें यहाँ फंक्शंस की, कि जॉइंट्स है वो किस टाइप से काम करते हैं। तो सबसे पहला वर्क है वो क्या है इसका, जॉइंट्स द बोन, मतलब बोन्स को जॉइन करने का काम होता है, बोन्स को जोड़ने का काम होता है। देन होता है इट हेल्प्स टू बियर द वेट। हम पेल्विक ग्रीडल के बारे में पढ़ते हैं कि पेल्विक ग्रीडल है वो हमारी बॉडी का काफ़ी वेट है वो उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ये पेल्विक ग्रीडल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इट अलाउज डिफरेंट मूवमेंट, मतलब हम लोग मूव अलग अलग टाइप के जो मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे हाथ है वो मूव कर रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, या जॉइंट्स की हेल्प से मूव कर रहे हैं। देन हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स जो बोर्ड के लेवल से क्वेश्चन आएगा, तो बोर्ड के लेवल से क्वेश्चन आते हैं, इसके जॉइंट्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं और एग्जांपल जो जॉइंट के टाइप्स के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, कि मान लो कि कोई भी बोल दिया कि मूवेबल जॉइंट्स कौन सा है, या जो आगे मैं आपको यहाँ पे टाइप्स पढ़ाऊंगी उन टाइप्स में से जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना, थ्योरीज में आप एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ बात करें टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक को लिख रखा है आर्थ्रोलॉजी, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से। अब ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज होती है और ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज, तो ऑर्थो वर्ड है, ऑर्थो वर्ड है वो जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में। और लॉजी का मीन्स अपने को पता है ही, स्टडी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्थोलॉजी। एंड देन हम बात करें टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स के कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, कितने टाइप्स, तीन टाइप्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है इमूवेबल और फिक्स। इमूवेबल का मतलब ध्यान में पड़ ही रहे कि इमूवेबल का मतलब क्या होता है, कि जो मूव नहीं हो सके, वहां से हलचल ना हो सके, या एचल जिसको बोलेंगे, ठीक है। और फिक्स जो एक जगह एकदम फिक्स हो रखा है। और फाइबरस जॉइंट, जहां पे भी फाइबर्स है वो जमा हो जाएंगे, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, हमारा मूव नहीं कर पाएगा। तो लिखा हुआ है इसके जो भी एंड्स है, बोन के जो भी एंड्स है, उन एंड्स के ऊपर फाइब्रस टिश्यू, जो कैसे होंगे, टफ टफ फाइब्रस टिश्यूज है वो अटैच हो जाएंगे, जिसके कारण वो मूव नहीं कर सकते। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था स्केल के सूचर्स, ठीक है, आपको जैसा कि एक्सियल स्केलेटन में याद है, तो एक्सियल स्केलेटन में हम लोगों ने ये देखे थे, ठीक है। तो ये इस टाइप की लाइंस जो बनी हुई है, ये क्या है, यहाँ पे सूचर्स है जिनको सीवन बोलते हैं, ठीक है। तो जो है ना स्कल की सीवन्स होती है या सूचर्स होते हैं, तो जिसके कारण ये क्या नहीं कर पाता, मूव नहीं कर सकता। और वो तो सही है कि जिस जहाँ ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है ब्रेन, अब ब्रेन को कवर किए हुए यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्कल पाया जाता है। और वो स्कल की हड्डियाँ मान लो कि मूव कर रही हैं, तो हमारा ब्रेन सेफ थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो हमें गॉड गिफ्टेड ही मिला है कि वो कवर्ड रहे और अच्छे से पैक्ड रहे, ठीक है। देन हम बात करें ये सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस को स्नायु संधि भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी हमारी लंबी अस्थियाँ हैं, जैसे रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला, ठीक है, रेडियस अल्ना टिबिया
फिबुला, वो आपस में जिससे अटैच हो रखी है, तो वो क्या है? सिंडेस्मोसिस, जिसको स्नायु संधि भी कहा जाता है। देन हम थर्ड बात करें गोम्फोसिस, तो गोम्फोसिस में क्या होगा? गम से रिलेटेड नाम आ रहा है, ठीक है, जो जबड़े वगैरह होते हैं, तो हमारे जबड़ों में दांत है वो हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो हड्डी थी वो क्या थी? मैंडिबल, और ये वाली हड्डी थी वो क्या, सॉरी ये कौन सी थी? मैक्सिला, और ये कौन सी थी? मैंडिबल। अब इनके जबड़ों में जो संधि पाई जाएगी जिसमें दांत क्या होंगे? फिक्स होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? गोम्फोसिस। तो इसमें आपको ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने, और एग्जाम्पल्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी संधियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इमोवेबल के मैंने आपको तीन है वो यहाँ बता दिए। उसके बाद में हम करें स्लाइटली और कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस मतलब ये कार्टिलेज का ही बना हुआ होगा, और ये क्या कर सकता है? स्लाइटली मूव कर सकता है, मतलब सेमी मूवेबल रहेगा, मतलब कुछ हिस्से इसके थोड़े बहुत हिल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बता रखे हैं, दे अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट, मतलब कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट्स वो इसमें पाए जा सकते हैं। उसके बाद में एग्जांपल की बात करें प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस मैंने आपको बताया था यहाँ, ये जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ से ये जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। फिर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट भी हम लोगों ने कल परसों पढ़े थे हम लोगों ने, ये वाले जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को बीच में से जोड़े हुए हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम हमारी यहाँ से मूव कर सकती है, ठीक है, तो ये इनवर्टिब्रल जॉइंट्स। देन मैनुप्री स्टर्नल, तो ये स्टर्नल पोर्शन हो गया, और इससे रिब्स, तो ये वाले जॉइंट्स कौन से थे? कॉस्टल कार्टिलेज के बने हुए थे, तो इसको हम बोलेंगे या कार्टिलेजिनस मूव। अब यहाँ पे इस टॉपिक में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होता है, तो वो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है फ्रीली और साइनोवियल जॉइंट रहेगा। उसमें मैंने आपको यहाँ लिख रखा है कि मोस्ट मूवेबल होते हैं। उसके अलावा इसमें जो बोन्स होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। देन हम बात करें इसमें साइनोवियल कैविटी पाई जाएगी, साइनोवियल फ्लूड पाया जाएगा, एक साइनोवियल वर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे आर्टिकुलर क्लीवेज भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, उस डायग्राम में देखिए ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में आपको दो बोन्स दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब इन दोनों बोन्स के बीच में आपको एक फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसके कारण दोनों हड्डियाँ इजीली क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन में मतलब जो आप हमने हड्डियाँ दिखाई दे रही है दोनों, उनके ऊपर आपको पिंक और यहाँ पे ब्लू कलर का कवरिंग दिखाई दे रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बीच में भरा हुआ तरल है वो इसको इजीली मूव होने के लिए कैपेबल बनाता है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं साइनोवियल जॉइंट्स की, साइनोवियल जॉइंट्स बोलो चाहे फ्री मूवेबल जॉइंट्स बोलो एक ही बात होती है। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स है उसमें हम लोगों ने देखा कि दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूड भरा होता है, जिसके कारण दोनों हड्डियाँ एक दूसरे पे क्या करती रहती है? मूव करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट्स के 7 टाइप्स है वो लिख रखे हैं, और उन्हीं टाइप्स के मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता रखे हैं, जिसके आधार पे आप इसकी थ्योरी भी है वो लिख सकते हो। तो यहाँ हम बात करें कि जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको सिर्फ टाइप्स का और एग्जांपल्स का ही बनेगा। तो देन हम जो सबसे फर्स्ट बात करते हैं तो वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, अब यहाँ पे इस जॉइंट का नाम ग्लाइडिंग जॉइंट ही क्यों दिया उसके बारे में मैं बताऊं तो यहाँ कि ग्लाइडिंग का वर्ड है, ग्लाइडिंग वर्ड है वो पैराग्लाइडिंग वर्ड से बना है। तो आप लोगों ने एडवेंचर का नाम सुन रखा होगा पैराग्लाइडिंग, तो उसमें क्या होता है कि माउंटेन है और माउंटेन से जंप करके हम लोग क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं, मतलब किसी भी टाइप की कोई टर्न्स और किसी भी टाइप की कोई रोटेशन है वो नहीं होती। तो इसी टाइप से क्या होगा कि यहाँ पे ये दो बोन्स आपको दिख रही है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या कर रही है? एस टाइप से मूव कर रही है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो यहाँ पे लिख रखा है कार्पल्स और टार्सल्स। कार्पल्स और टार्सल्स हमें ध्यान में आई जो कलाई के अंदर पाई जा रही थी, ठीक है, जो मैंने 3 और 5 के अरेंजमेंट में बताया था, और टार्सल्स जो अपने यहाँ एडी वाले पोर्शन में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये वाले हिस्से रहेंगे, ये क्या रहेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट में। देन हमारा जो सेकंड है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट होता है, इस सैडल जॉइंट के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे तो सैडल जॉइंट है वो हमारे अंगूठे पे पाया जाएगा। सैडल जॉइंट है तो ना सैडल जॉइंट इस टाइप से मूव कर रहा है,
ठीक है। तो मतलब जिस टाइप से हम बात करें कि सैडल वर्ड है वो घोड़े के ऊपर रखी हुई जो हमने वो कालीन टाइप लगती है ना, जो चमड़ी की कालीन टाइप इस टाइप से कवर करके लगाते हैं, तो घोड़े की पीठ है और घोड़े की पीठ पे वो सैडल रखा हुआ है, तो इसी टाइप से ये जॉइंट होता है, जिसका एग्जाम्पल होगा थंब, ठीक है, इस टाइप से। देन हम बात करें हिंज जॉइंट की, हिंज वर्ड है, हिंज जॉइंट है। अब हिंज जॉइंट का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, हिंज जॉइंट में हम बात करेंगे अपने एल्बो जॉइंट्स की, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कि सिर्फ एक साइड में, जैसे खिड़की और दरवाजे में हिंज लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही साइड में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट्स एंड इंटरफेसियल जॉइंट्स, ठीक है। तो इस टाइप से अंगुलियां भी क्या कर रही है, एक ही साइड में मूव कर रही है, मैं इनको पीछे की साइड में मूव नहीं करवा सकती, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे तीन जॉइंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, सबसे पहला ग्लाइडिंग, फिर सैडल एंड देन हिंज जॉइंट। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है पिवोट जॉइंट, ठीक है। पिवोट जॉइंट होता है वो दुराग्र संधि होती है। अब पिवोट जॉइंट है, पिवोट जॉइंट में हम बात करें कि एक अस्थि है और उस पर दूसरी अस्थि क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस में, जब हम लोग एटलस और एक्सिस पढ़ी थी हम लोगों ने वर्टिबल कॉलम में, तो मैंने कहा था एक्सिस है वो नुकीली हड्डी है जिसके ऊपर क्या फिक्स है, एटलस फिक्स है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि एक रोड शेप्ड है, उस रोड में क्या है, ग्राउंड घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पिवोट जॉइंट और इसके एग्जाम्पल एटलस और या एक्सिस, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे कॉन्डाइलर जॉइंट की। तब जो कॉन्डाइलर जॉइंट रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा था, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्कल की जितने भी हड्डियाँ हैं वो मूव नहीं करती, ठीक है। वो ये स्कल की हड्डियाँ यदि मूव करती, उनके जॉइंट्स है यदि हिलते डुलते, तो हमारा दिमाग है वो सेफ नहीं रह पाता, ठीक है। तो सिर्फ ये जो मैंडिबल जॉइंट है वो क्या होता है, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो इसको बोल सकते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पो वर्ड यूज किस लिए किया, कान के लिए। यहाँ पे जो टेम्पोरल अस्थि थी, टेम्पोरल अस्थि से ये यहाँ से क्या हो रहा है, मूव करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका इसको जो जॉइंट भी बोल सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ एलिप्सॉइड, तो एलिप्सॉइड जॉइंट होता है वो, इसको मतलब कि बाई एक्सल भी बोल सकते हैं, कि कोई भी मतलब एक्सिस है और एक्सिस पे ये रोटेशन नहीं कर सकती, लेकिन ये दोनों एक्स में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है। तो रिस्ट जॉइंट और मेटाकार्पो फैलेंजेस, फैलेंजेस जॉइंट, ठीक है। इस टाइप से इस साइड भी जा रही है ये और इस टाइप से भी, ठीक है। तो ये हमारे एलिप्सॉइड जॉइंट रहेगा, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक खली का संधि। अब जिस टाइप से ये एक सॉकेट है दिखाई दे रहा है आपको, और सॉकेट में ये क्या है, बोल, तो ये क्या कर रही है, फ्रीली चारों तरफ से, चारों तरफ मूव कर रही है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये संधि होती है, क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसके एग्जाम्पल है शोल्डर एंड हिप बोन्स, ठीक है। हम बात करें शोल्डर जॉइंट ये है, ठीक है, तो मैं हाथ है इसको चारों तरफ मूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप से हिप जॉइंट्स, तो ये यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसी टाइप से हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं उनको लर्न करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो स्केल्टन का पोर्शन था, स्केल्टन के पोर्शन में हम लोगों ने बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स की स्टडी आज के वीडियो तक हम लोग कर चुके, ठीक है। तो आप रेगुलरली इनके नोट्स बनाइए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप वहाँ जाके अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास में अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, हम समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग आपको इस टाइप से पढ़ा रहे हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।